गाइस, एक पाकिस्तानी सिटीजन, एक पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जाकर पाकिस्तान की सिटीजनशिप को कैंसिल करके अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेते हैं और लेने के बाद वो हिंदुस्तान का झंडा उठाकर कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गाइस, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, क्या एक पाकिस्तानी नौजवान को ये शोभा दे? नहीं, गुजारा हो रहा नहीं, हो रहा नहीं। पाकिस्तान छोड़कर तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहिए कि मजबूर हो के कोई मार रहे हैं तो कोई जा रहे हैं, कोई मार रहे हैं तो कोई जा रहे हैं, कोई खुदकुशी कर रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई मार रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान छोड़कर मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो पाकिस्तानी कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में यह कि जो मजबूर जाते हैं ना वो मरने के लिए जाते हैं, जो मर जाएंगे तो फिर उसको जा कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं ना, मरने से बचते हैं ना। अच्छा, हाँ जी। तो क्यों बाहर जाएंगे, पाकिस्तानी नाम बताएंगे तो मर जाएंगे वो? इधर से तो बच जाएंगे, जब इधर मरने के भूख के हड़ताल से भूख से उधर से बच जाएंगे ना। अच्छा। इधर मजदूरी कम, उधर मजदूरी ज़्यादा है। अच्छा, इधर 1,000 मिलती है, वो क्या करता है सुबह शाम तक? बिल्कुल सही होगा। एक आपको ना वीडियो दिखाऊंगा छोटी सी, एक पाकिस्तानी लड़का है जो कि अमेरिका के अंदर जाकर कहता है कि भाई मैं अब पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं अब हिंदुस्तानी बन गया हूँ। वो बंदा, वो बच्चा कह रहा है कि भाई अभी झंडा लहरा रहा हिंदुस्तान का अमेरिका के अंदर रहकर। आपने बताना कि ये काम जो कर रहा है सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? ये गलत है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें। क्या कहेंगे, सही है? भूख मौत की वजह से ये सही कर रहा है, लेकिन वे ऐसे अच्छा नहीं कर रहा। मतलब कि बेरोजगारी से तंग आके ये कर रहा है? तंग आकर के ये कर रहा है बस। अच्छा, मतलब कि जो बेरोजगारी है, जो पेट है, वो मुल्क से भी आ गया? हाँ, ये जिसके जो 4 बच्चे हैं वो सुबह से 1,000 रुपये कमा के जाएगा, वो क्या करेगा? आप खाएगा, बच्चों को खिलाएगा, घर वाले खिलाएगा, या किराया भरेगा, या बिजली का बिल भरेगा? मतलब महंगाई ज़्यादा हो गई? महंगाई ज़्यादा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है महंगाई, बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत। रात 20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 30 रुपये, 305 के 335 हो गया, 335 रुपए का लीटर हो गया पेट्रोल गाइस। तो यहाँ पर कैसे गरीब आवाम गुजारा करेगी? सही कह रहे हैं आप। तो क्या कहना चाहेंगे, मुस्तकबिल क्या देखते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए? कुछ भी नहीं होगा, आवाम जैसे भूख है वैसे मारे की जाएगी बस, और कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही होगा। मैं आगे चलूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक। नाम आपका? वैस। सामने देखना कैमरे की तरफ, क्या करते हैं? काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में काम करते हैं। एक पाकिस्तानी लड़का जो अमेरिका में जाकर हिंदुस्तान का झंडा लहराकर कह रहा है मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, क्या वो सही कर रहा है? नहीं सही कर रहा। नहीं सही कर रहा। तो यहाँ से मुल्क छोड़कर 25 लाख पाकिस्तानी चले गए, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में क्या करना है, वैसे वहाँ हमने मरना है भूख से मर। आप क्या कहेंगे? महंगाई है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा है। एक पाकिस्तानी लड़का अमेरिका के अंदर खड़े होकर हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा, क्या कहेंगे? लहराना चाहिए या नहीं? नहीं। क्यों नहीं लहराना चाहिए? नहीं, वो जायज ही नहीं रहा। वो कह रहा मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हो गया हूँ। नहीं, वो तो नहीं ना, अच्छा काम है। अच्छा काम नहीं है? नहीं। कुछ बोलना चाहेंगे मजीद इस बारे में? नहीं, और कुछ नहीं। मैं आगे चलूंगा गाइस, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? पेंट का काम। जबरदस्त हो गया। क्या हालात चल रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे हालात हैं। गुजारा अच्छा हो रहा है? गुजारा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा तो नहीं है, तो लोग कह रहे हैं कि गुजारा नहीं हो रहा। बस हर एक की अपनी अपनी बात है। पेट्रोल 350 का हो गया ना, ना डलवाएं? ना डलवाएं? ना डलवाएं, कहीं भी जाएं, आए जाए भी ना? नहीं आए, खड़ी रखे, आए जाएं, लेकिन लोकल चले जाएं या पैदल चले जाएं। अच्छा, अल्लाह पाक ने 11 नंबर दिया उस पर चलें। अच्छा, इधर से इस्लामाबाद जाना हुआ तो पैदल जा सकते? तो कोई बात नहीं, गाड़ी पर चले जाएँ, गाड़ी पर नहीं जा सकते, ट्रेन पर चले जाएँ। पेट्रोल महंगा हुआ, कैसे दे के जाओ? ये आवाम के तो हाथ में आया नहीं है कि ये सस्ता करें या महंगा करें, ये तो कह रहा हूँ, ये तो है हुक्मरानों के। आप अपने हक की आवाज़ तो उठा सकते हैं? हक की आवाज़ एक बंदा तो नहीं उठा सकता। आप समझ ले क्या, पूरा मुल्क है आपके हाँ ना से पूरे मुल्क का फैसला होगा। जब आप अपने आप को इतनी अहमियत देंगे तो लोग भी आपको देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन लोग मिलके नहीं चलते हैं। लोग अगर मिलके चले तो ये पार्टीबाजी ना हो। बिल्कुल सही। 15 लाख से 25 लाख, 25 लाख के करीब पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं नौजवान, क्यों, क्या वजूहत है? अच्छी बात है, मर्दमशुमारी हो रही है, मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, आवाम कम हो रही है, यही बात कर रहा हूँ ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है, कम हो। जवान चले गए तो बूढ़े लोगों से क्या करोगे? बूढ़े लोग भी क्या इंसान नहीं है? अबे यार, मैं दूसरे सेंस में कह रहा हूँ, आप दूसरे सेंस में जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं मुल्क का जो सरमाया है, नौजवान जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं हर काम के अंदर, एक फॉर एग्जाम्पल का यहाँ पर सैलाब आ जाता है तो वहाँ पर बूढ़ों को
बचाने के लिए नौजवान चाहिए, तो बूढ़ों को कैसे बचाओगे आप? यार नौजवान तो आगे जाते ही नहीं है, जाते हैं तो फौज जाती है या पुलिस जाती है या कोई रेस्क्यू जाती है, हम लोग तो जाते नहीं हैं। इतनी बार सैलाब आया मैं तो नहीं गया हूँ या यहाँ से कोई भी नहीं गया है। ठीक है, बात तो ये है कि भी उन नौजवानों को सोचना चाहिए कि अपना मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जब अपने मुल्क में रोजगार नहीं होगा तो फिर ही जाएंगे। अगर हम भी तो देखें ना, यहाँ पे ब्रश पकड़ के रोड छाप बने हुए हैं, सड़क छाप बने हुए हैं, यहाँ पे कमा रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, वो भी गुजारा करें सबके साथ। साल में आप हो, साल में वो भी, सबके साथ मरना चाहिए ना। अगर हम जी रहे हैं तो वो भी जिए यहाँ पे। अच्छा, अगर मरेंगे तो सबके साथ मरेंगे। मतलब आप उनको कह ही नहीं रहे बाहर जाओ, उनको इजाजत नहीं देते? नहीं, हम तो नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करो, यहाँ पर मुल्क करो। यहाँ पर कैसे रहोगे आप, कैसे करोगे? एक बंदा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पाकिस्तान में रहकर अगर वो काम करता है, मैंने अपनी सुन लेना, आपने अपनी सोच की करनी है, जो सोच थोड़ी सी ठीक भी हो सकती है आपकी। फॉर एग्जाम्पल के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यहाँ पर रह के 50,000 कमाएगा, बाहर जाकर 4,00,000 कमाएगा, तो बताएं फिर फायदा किसका? तो वो 4,00,000 क्या करेगा? 4,00,000 का वो मुल्क में ही भेजेगा ना, मुल्क का सरमाया बढ़ेगा। कैसे मुल्क में? जो पहले गए हैं वो तो नहीं भेज रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। पहले भी तो लोग तो आप कह रहे थे महंगाई नहीं है, अच्छा गुजारा हो रहा है। गुजारा तो हो रहा है, जब सस्ता था काम तब भी गुजारा हो रहा था, तब महंगा है तो अब भी गुजारा हो रहा है, करना तो गुजारा ही है। हम लोग सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। अगर हम कहें ना कि भाई हमारी 4,00,000 रुपया सैलरी हो जाए या हम 4,00,000 रुपया महीने का कमाना शुरू कर दें, फिर भी गुजारा ही होगा। मेरे 4,00,000 के खर्चे भी उतने बढ़ जाएंगे। अगर आज मैं 1,500 या 2,000 डेली बेस पे ले रहा हूँ तो मेरे गुजारे भी इतने ही हैं। एक पाकिस्तानी लड़का छोड़कर पाकिस्तान से चला गया अमेरिका जाकर, उसने कहा कि भाई सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सिटीजनशिप ही छोड़ दी उसने। वो तो पागल है, बेवकूफ़ है, उसका कुछ दिमाग ख़राब लग रहा है मुझे। जो जिसने ये हरकत की है, ये बात की है, वो गोली के काबिल है बंदा। गोली मार देना चाहिए, गोली के आर्डर होने चाहिए उस बंदे को। ये पाकिस्तान है, मुल्क है ये हमारा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, आए हैं इधर, ठीक है ना। ये कलमे पे मुल्क बनाया तो इस कलमे को छोड़ के तो हम एक अलग मुल्क में जाए, वो क्या कह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं कहता हूँ उसे गोली का आर्डर होना चाहिए, नहीं तो हम इसको पुल के साथ फांसी दे देंगे। इधर उस बंदे को जो शयान लड़के ने जो पाकिस्तान की सिटीजनशिप को कैंसिल करके अमेरिकन ले लिया, वो हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा, तो उसको क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल मैं नहीं समझता ये मुनासिब है, ये बिल्कुल बहुत गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहिए, चाहे जो कुछ मर्जी करे, जाएं कमाने के लिए जाएं, ठीक है हर कोई जा रहा है कमाने के लिए, लेकिन इस तरह अपना मुल्क तो ना छोड़ें। कलमा पढ़ा हमारे नबी का, मुसलमान है, काफिर बन गए हम 4 पैसों के लिए, क्या हुआ? ये अवाम कहाँ चली जा रही है, अपना दीन छोड़ रही है, इतना प्यारा दीन है। कौन 5 वक्त का वजू करता है उधर? करते हैं कोई? नहीं करता। नमाज 5 बजे कौन पढ़ता है? पाकिस्तानी पढ़ते हैं, मुसलमान पढ़ते हैं, हमारा दीन इस्लाम है। और मुझे हिंदुस्तान पसंद है, पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान पसंद है। लेकिन देखें, अगर उसको पसंद है तो ठीक है, वो चला गया, फिर घर वालों को भी वहाँ पे ले जाए, अपने ले गया घर वालों को, चले अच्छी बात है उसकी, फिर वो अलग हो गया मुल्क से जाए। तो ऐसे बंदों की कोई इस्लाम में सज़ा है कि जिस ऐसा बंदा कोई अपना मुल्क छोड़ कर जाए तो बाहर जाकर कहे कि भाई पाकिस्तान अच्छा नहीं, मैं अमेरिकन हो गया हूँ? ये तो भाईजान किसी मौलवी से पूछना पड़ेगा या किसी जाकर से पूछ। आप क्या कहेंगे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि कोई ये मुल्क छोड़ता है या दीन हमारा छोड़ता है उसे सजा दी जाए या उसे मारा जाए, नहीं, जो जाता है जाए। जो हमारे भी देखो ना कितने मुसलमान हुए हैं, कितने लोग मुसलमान हुए, लेकिन हमने कबूल किए हैं कि कोई बात नहीं, आने दे, कोई भी आएगा, सवाब का काम है, ये जन्नत खरीदना है, ठीक है ऐसे ही। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुल्क छोड़ के जाए। अब एक बंदा है जो पाकिस्तान में जिसका गुजारा नहीं हो रहा, अमेरिका जाकर वो उसका गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, ठीक है, लोग जा रहे हैं, गुजारा करें अपना, ठीक है। वो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सिटीजन कैंसिल करके, किसी ने कैनेडा के लिए, किसी ने इंडिया के लिए, किसी ने बाहर के मुल्कों के लिए, ऐसे ही है बिल्कुल। यहाँ पे महंगाई आप देख लें कितनी ज़्यादा है, और यहाँ से लोग भाग रहे हैं, खुद ही भाग रहे हैं। किस लिए भाग रहे हैं? पेट के लिए भाग रहे हैं। हम कमाएंगे, हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, खुद खाएंगे, रात को आटा लेके जाते हैं, सुबह घी ख़त्म होता है, क्या करें हम लोग? ये ऐसे जीने से अच्छा है तो एक दो बार फांसी ले लें या जहर ले लें। ये देखें अभी सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं हम लोग, मर मर के सुबह से क्या दिहाड़ी देते हैं, 1,000, 1,100, 1,200। ये मुल्क तो नहीं चल रहा। अब जाऊँगा घर का आटा लूँगा, घी लूँगा, फिर कहेंगे चीनी ख़त्म हो गई, वो लाओ, गैस दिलवाओ, क्या करें हम लोग? बाहर तो लोगों ने जाना है, ऐसे तो नहीं। मेरे खुद के दोस्त गए, मेरा बनोइया गया, लेकिन वो तो ऐसे नहीं कह रहे कि हमने देश ही अपना छोड़ दिया, हमने कलमा ही पढ़ना छोड़ दिया। ज़्यादातर लोग तंग आ रहे हैं ना भाई, महंगाई जब बढ़ेगी हाथ से ज़्यादा गुरेज करेगी, तो यहाँ पर लोग खुदकुशियाँ भी तो कर रहे हैं। कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, वो कभी नहीं ठीक होएंगे।
अवाम ही नहीं ठीक है, इतनी महंगाई हुई, किसी ने ये नहीं कहा कि हम बाहर निकलें। कौन निकल रहा बाहर, चाहे घर में मर रहे हैं, जो मर्जी है, इन्होंने बाहर नहीं निकला। 350 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल। हाँ, कौन लो है, जिसके पास बाइक है वो बेच रहा है, वो पेट्रोल जो है या बाइक का खर्चा। ये सिर्फ 8 दिन ये पेट्रोल पंप पे कोई भी गाड़ी या बाइक ना ना जाए तो ये खुद ही नीचे आ जाएगा। हमारी 2 दिन बंद करो, मैं कहता हूँ एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे, जो चीज़ महंगी होती है ना वो ज़्यादा सेल होती है, जो चीज़ भी महंगी होती है चाहे वो गंद क्यों नहीं है वो भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो कैसे आप लोगों ने जाने पाकिस्तानी पब्लिक की राय, चलते हैं किसी और की तरफ, उनकी भी राय लेते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नाम आपका? खादिम हुसैन। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। अच्छा, क्या हालात चल रहे हैं, गुजारा हो रहा है? नहीं, बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है आजकल, तो जो महंगाई है, आए दिन पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है, गुजारा करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या लगता है कि इन सब सिचुएशन में हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकता है पाकिस्तान? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ताकतवर हो गया वो। डेफिनेटली वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, यहाँ जो हमारे सियासतदान हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, जो भी नई हुकूमत आती है वो सारा जो भी मलबा पिछली गवर्नमेंट पर डाल देते हैं कि हमें वो खजाना खाली दे के गए हैं और हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 15 लाख पाकिस्तानी और 15 से 20-25 लाख पाकिस्तानी नौजवान मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में, क्यों जा रहे हैं छोड़कर? डेफिनेटली जब यहाँ कोई रोज़गार नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते, तो जरूरत ज़िंदगी चलाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। एक पाकिस्तानी नौजवान मुल्क छोड़कर अमेरिका जाता है, अमेरिका जाकर पाकिस्तान की सिटीजनशिप को कैंसिल करके वो अमेरिकन सिटीजनशिप ले लेता है और लेकर वहाँ पर वो इंडिया का झंडा लहराकर कहता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या वो सही कर रहा है? डेफिनेटली गलत कर रहा है, लेकिन इसके आप देखें ना इसके पीछे क्या कौन से अमल कार फरमाया है, तो क्या कौन से अमामिल हो सकते हैं जो अपने मुल्क के खिलाफ कर दे बंदे? यही है आपको सबसे ज़्यादा, ना तो आपको मेडिकल की सहूलतें मिलती हैं, ना महंगाई का जिन आपके काबू में नहीं आ रहा, पेट्रोल नहीं है, गरीब आवाम है और रोज़गार नहीं है, तो फिर वो यही करेंगे और क्या करेंगे ना। अच्छा, मतलब इस वजह से कि महंगाई ज़्यादा हो रही है, आप भी आइएगा ज़रा आगे, महंगाई ज़्यादा इसीलिए ये काम हो रहा सर, थोड़ा इस तरफ हो जाए ना, थोड़ा इधर आ जाए, इधर हो जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। क्या महंगाई की वजह से लोग अपने मुल्क के सिटीजनशिप को कैंसिल करके दूसरे मुल्कों के ले रहे हैं? नहीं, महंगाई बेसिकली सारे फैक्टर देखे ना, अब उसके पास कुछ चीज़ नहीं है, एक स्टूडेंट डिग्री लेके निकलता है वो जॉब के लिए दर बदर धक्के खा रहा है, तो क्या वो क्या करेगा, उसको उस डिग्रियाँ क्या, वो सिर्फ कागज़ ही है उनके लिए, जब उनके पास ना कोई टेक्निकल काम आप उनको सिखाते हैं सिर्फ ना। अंकल की तरफ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? अल्ताफ। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। अच्छा, सही होगा सर। एक पाकिस्तानी नौजवान है जो, एक तो नहीं है बहुत सारे हैं, तकरीबन 15 से 20 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, तो शयान अली नाम का एक लड़का है जो कि अमेरिका के अंदर कायम पजीर है, अमेरिका की सिटीजनशिप लेने के बाद पाकिस्तान की सिटीजनशिप उसने छोड़ दी, छोड़ने के बाद हिंदुस्तान के झंडा उठाकर कहता कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजूहत आन बड़ी कि पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान की सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं? नहीं, सिटीजनशिप जो है वो छोड़ने बात नहीं है, वो तो इधर एक ट्रेंड है, जो यूरोप जाता है अमेरिका जाता है वो नेशनैलिटी हासिल करता है, रोज़गार कमाता है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करता है, यहाँ तक तो ठीक है, आगे जाके वो कहता है जी पाकिस्तान को छोड़ के या हिंदुस्तान का नारा लगाता है, ये तो गलत हो, ये तो गद्दारी है। अच्छा। ये तो अपने मुल्क जितने भी हालात हैं इधर लोग गुजारा कर रहे हैं लेकिन अपने मुल्क से प्यार करते हैं। अच्छा। उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इस मुल्क ने उसको पहचान दिया, यहाँ से वो इसकी नेशनलिटी लेके वहाँ अमेरिका गया ना, यानी कि इसी धरती से वो उसने जन्म लिया है, तो इसके ऐसा नहीं कहना चाहिए। ओवरऑल पाकिस्तानी सारे ऐसे नहीं हैं, पाकिस्तानी सारे अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हालात और महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से बाहर के मुल्कों में जाते हैं जहाँ उनकी स्टेट अच्छी है, उन्होंने आम आदमी के लिए रोज़गार कमाने के मौके रखे हुए हैं, ठीक है ना जी, और वो बंदा कोई भी जाता है वो 2-3-4 साल 5 साल मेहनत करता है वो स्टेबल हो जाता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में निज़ाम ख़राब है, यहाँ जो हमारे हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, जितने भी अच्छे उहदों पर बैठे हुए हैं, अशरफिया बन गए हैं, उनके अपने हालात सही हैं, आम आदमी गरीब आदमी जो मुतसब तबके का है वो अपने बच्चों को पालने के लिए रोज़ी कमाने के लिए वो परेशान है, मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, और जो हमारा जो इसका निज़ाम है पढ़ाई का एजुकेशन का वो भी थका हुआ है,
यानी कि बच्चा बीए एमए कर जाता है लेकिन उसको वो घर में जाके ना जा यार दाल मूंगी दी ले आ, तो उसको नहीं पता ये दाल क्या है। यानी कि हमारा जो है ना शौर नहीं बढ़ा, एजुकेशन तो बढ़ गया, किताबों का रट्टा लगा के बच्चे पास कर जाते हैं। ओवरऑल हमें ये चाहिए कि सोसाइटी में बच्चों को तरबियत दें, उनको एक हुनरमंद और पढ़ा लिखा बनाएं ताकि वो मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ज़रूरी भी है। लेकिन अगर इन सब हालात के बीच में जब गरीब आदमी को पेट्रोल जो पैसे कमाता है वो पैसे कमाता है 15,000 रुपये पेट्रोल उसको 350 रुपये लीटर मिलेगा, तो पूरे महीने का वो गुजारा कैसे करेगा? और ये हालात आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर, जिस तरह की महंगाई की सिचुएशन काबू में नहीं आ रही, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, घरों में खुदकुशियां कर रहे हैं लोग। ये बिल्कुल ये तो आपकी बात सही है। कैसे हालात बेहतर होंगे? ये तो देखें जी, बात ये है कि हालात बेहतर जिन्होंने करने हैं, जिनके ऊपर हम जिम्मेदारी रखते हैं, जो हमारे सियासतदान जो हुकूमत चलाते हैं उनके ऊपर है कि वो ऐसा बेहतर करें बैठ के सोच के कि आम आदमी की पहुँच से हर शय बाहर हो रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, आम आदमी क्या करे, उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही है, तो काम नहीं हो रही। इसको काम करने के लिए हमारे जो हुक्मरान है, जो हमारे रहनुमा हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा सोचना। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं आप, क्या हालात हैं? शुक्र है अल्लाह का, अच्छा गुजारा हो रहा है। हाँ जी, अच्छा गुजारा हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है, हालात बहुत अच्छे हैं मुल्क में, गुर्बत ही नहीं है। गुर्बत तो है जी, गुर्बत क्यों नहीं है, मैं ये मजदूर अब खड़े हुए हैं तकरीबन सुबह से खड़े हुए हैं और इनको रोज़गार नहीं मिल रहा। तकरीबन ये सुबह 6 बजे के आए हैं और 10 यहीं पे बजने हैं इनको, रात के 10 बजेंगे यहीं पर खड़े रहेंगे, मजदूरी नहीं मिल रही। क्या वजूहत है, पहले से ये हालात है क्या अभी खराब हुए? नहीं नहीं, पहले जब नवाज शरीफ का दौर था तो इससे तकरीबन जब से मोबाइल दौर हुआ है ना उससे ये काम हुआ है। जब मोबाइल दौर नहीं था तो इधर बहुत ज़्यादा मजदूरी थी, जब से मोबाइल दौर हुआ है, नेट दौर हुआ है, तो बहुत काम जो है ना बहुत कम हो गया। बहुत सारे नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तकरीबन 25 लाख के करीब मुस्लिम पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, क्यों जा रहे हैं अपना मुल्क छोड़कर? इधर पहली बात तो यह है कि कानून नहीं है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि महंगाई ने हर बंदे को परेशान कर रखा है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग, आप पहले भी कह चुके हैं कि खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इसी वजह से ही कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि आबादी पे कंट्रोल किया जाए, जब आबादी ज़्यादा होगी, पाकिस्तान बना था तो आबादी जो कि 13 करोड़ थी 18 हुई, अब 22 है 23 है, अब 22 से भी 28 है, तो जितनी आबादी ज़्यादा होगी उतनी महंगाई ज़्यादा, कोई भी लीडर महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तो कहते हैं आबादी पर काबू करना ही नहीं चाहिए, जितनी मर्जी पैदा हो बच्चे ठीक है? नहीं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उसको हर चीज़ को समझते हैं, तो उनको बच्चे भी समझ के, अगर 5 बच्चे होंगे या 10 होंगे तो उसने मामा के और पापा सही होगा। आपको मैं बिल्कुल एक वीडियो दिखाऊंगा, एक पाकिस्तानी अमेरिकन है, पाकिस्तानी एक अमेरिका जाकर क्या कर रहे हैं ये देखे ज़रा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कर रहा है ये लड़का जाके, ये पाकिस्तानी लड़का सही कर रहा है? नहीं, ये सही नहीं कर रहा, जो मुसलमान लोग हैं ना, हमारा मजहब जो है ये चीज़ नहीं मानता, ये हमारे नबियों पर भी सख्तियां आई हैं लेकिन उन्होंने इस सख्तियों का मुकाबला किया है। जो बहादुर आदमी होते हैं, जो सेंसेबल होते हैं, उनको ये तो कहता मुझे पाकिस्तान पसंद ही नहीं है, मुझे हिंदुस्तान पसंद है, इसीलिए अमेरिका चला गया, अमेरिका के सिटीजन ले लिए। जब ये उधर हिंदुस्तान में है ना, तो अगर इसने काफरों का झंडा उठाया है तो आखिर काफरों का झंडा तो नहीं कह सकते, मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा उधर हैं। अब आप देखें 35 से 40 करोड़ मुसलमान वहाँ पर हैं, वो मुसलमान वहाँ पर हैं लेकिन झंडा तो इन्होंने काफरों का उठाया ना। मुसलमान वो झंडा काफिरों का कैसे हो सकता, वो तो हिंदुस्तान का झंडा, इंडिया का झंडा है ना, वहाँ पर तो सेकुलर कंट्री कहा जाता है। इंडिया के हिंदुओं की तादाद ज़्यादा हुई तो हिंदुओं का झंडा थोड़ी हुआ, वो तो पूरे पूरे हिंदुस्तान का झंडा। पाकिस्तान का झंडा तो नहीं है ना, काफिरों को हम ये दे रहा है ना, ये पाकिस्तान का कैसी बात कर रहे हैं? नहीं देखो, अगर हमारा झंडा होता तो हम झंडे के हम फख्र करते कि इसने हमारा झंडा पकड़ा और झंडे को अहमियत दी है, लेकिन ये तो
काफरों के झंडे को अहमियत दे रहा है ना, ऐसी नहीं। काफरों का झंडा कैसे हुआ, मैं बता रहा हूँ सेकुलर कंट्री है, वहाँ पर मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ, वो मेरी बात को भी नहीं समझ रहे। बेशक ये उधर मुसलमान ज्यादा हैं, ये ठीक है आपकी बात, मुसलमान उधर ज्यादा हैं, मगर हमारा जो कुरान है, हमारा जो दीन है, ये चीज़ तस्लीम नहीं करता। हमने खुद, हम मुसलमान जो है वो सख्तियों का मुकाबला करने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा। हमको इसीलिए सख्तियों का मुकाबला, तो सख्तियाँ आ तो रही हैं, मुकाबला करें तो फिर करना चाहिए ना। हमारे नबियों ने तो 7-7 दिन की बेई रोटी भी खाई है, उन्होंने जाओ, मुसीबतें हम पर ही आती है। आप देखें दुबई कहाँ पहुँच गया, आप देखें अब इस्लामी दूसरे ममालिक देखें कहाँ चले गए, तरक्की करके उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ तब्दील किया, अपनी मेंटालिटी को, अपनी एजुकेशन को। हम अपनी एजुकेशन को तब्दील करना नहीं चाह रहे, एजुकेशन वहीं पढ़ रहे हैं जो कि पता नहीं कितनी साल पुरानी, जो हमारे दादा परदादा पढ़ गए, वो भी आज बच्चे वहीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो यहीं सोच रहेगी तो क्या हम तरक्की करेंगे? नहीं, तरक्की हम तरक्की करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि तरक्की नहीं होनी चाहिए, बाकी साथ साथ हमको दीन और इस्लाम को साथ लेके चलना पड़ेगा। हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया या नहीं हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, हम मुसलमान जो है वो मेहनत नहीं करता, जो ये जो बाहर की कंट्री है, यूरोप कंट्री हैं, मेहनत की हद कर देते हैं। क्या हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा पावरफुल है या नहीं है इस टाइम, मौजूदा टाइम के अंदर, इकोनॉमिकल लिहाज से, किसी भी लिहाज से बात कर लें? नहीं, मुसलमान से कोई भी कंस्टेबल ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जो अल्लाह के दीन पर चलता है, कुरान को समझता है और कुरान को साथ लेकर अल्लाह की पावर को समझता है, तो उससे कोई भी पावरफुल नहीं है। पावरफुल तो अगर हम इतने ही पावरफुल हैं तो हम दूसरे कंट्री से जाकर पैसे क्यों मांग रहे हैं, भी क्यों मांग रहे हैं कि भाई आप हमें दे दो, हमारा गुजारा नहीं चल रहा, आप हमें दे दो, हमारा गुजारा नहीं चल रहा, तो हम इतने पावरफुल हैं तो मांग क्यों रहे हैं? अगर हम पांच वक्त सजदा देंगे ना अल्लाह को, सजदा सजदे के साथ साथ हरकत भी करनी ज़रूरी है, सजदा करेंगे तो हरकत खुद ब खुद आ जाएगी। अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो नबी की सुन्नत पर चलेंगे। आप एक मिनट आइएगा, इनकी बात से एग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री नहीं करता। नहीं करते, क्या इनकी बातें आपको गलत लगी, क्या आपको सही लगी? आप इधर खड़े होइएगा। देखिए जी, इंडिया में आई थिंक पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं और वहाँ भी रहते हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान रहते हैं। आपको इबादत तो बेसिकली हमारा एक मेन मकसद है और उसके साथ हमें रोजी रोटी कमाने के लिए भी हरकत करनी पड़ती है, हरकत करनी पड़ती है। ये कहते हैं कि आज का मुसलमान सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है पाकिस्तान का मुसलमान। क्या हम एज अ मुसलमान अपने रिलीजन पर पूरा फोकस, पूरा फॉलो कर रहे हैं जिस तरह की हिदायत है? हम तो क्या कर रहे हैं आज, अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान, आज देखते हैं अमेरिका, नॉन मुस्लिम हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, क्या वजूहत है? उसकी वजूहत ये है कि उन्होंने अगर कोई कानून और कायदे बनाए हैं वो उस पर अमल पैरा है। हम जस्ट करप्शन में पहले नंबर पे हैं और मस्जिदों में भी हम फिरकाबंदी पे ही अमल करते हैं और यही है। सब क्या कहना चाहेंगे, ये तो कह रहे हैं कि हम पावरफुल नहीं है, हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा पावरफुल है। देखें ये, आप अगर आप नबी की सुन्नत पर चलेंगे ना, कुरान को मद्देनजर रखेंगे और कुरान की रोशनी के मुताबिक चलेंगे, जो कुरान कह रहा है उस पर चलेंगे, तो आप पर कोई चीज़ गालिब नहीं आ सकती, कोई दूसरा मुल्क या यूरोप कंट्रियाँ कोई चीज़ आप पर ना हुक्मरानी कर सकती है और ना ही गालिब आ सकती है। सर हम एजुकेशन नहीं ले रहे, हम टेक्नोलॉजी में दुनिया से आगे हैं या पीछे हैं? हम हर मुल्क से आगे हैं मगर हम कुरान को नहीं समझते। हम हर मुल्क से आगे हैं, हम हर बातों में नहीं, बातों में नहीं है, अगर हम बातों में आगे हैं। ये कह रहे हैं कि हम हर मुल्क से आगे हैं, कोई बात समझ में आ रही है? सारा पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे है, आगे किधर है? बातों से आगे है, झूठ से आगे है, फ्रॉडी से आगे है पाकिस्तान। अगर आप कुरान को समझेंगे और कुरान को पढ़ेंगे, कुरान जो कह रहा है उसकी रोशनी पर चलेंगे, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, तो आप ऑटोमेटिक झूठ छोड़ जाएंगे। फॉलो कुरान को फॉलो कर रहे हैं हम? हाँ जी, कुरान को कर रहे हैं। नहीं, करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं करेंगे तो ये इस तरह जलील होते रहे जिस तरह हो रहा है। हाँ जी, ये बाद में करेंगे, अभी तो नहीं कर रहे। मतलब बाद में फॉलो करेंगे? हाँ जी, बाद में फॉलो करेंगे। कब करेंगे? बाद में जब उनको पता चलेगा कि अब हम आसानी में आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो इनको पता नहीं है, खाली बता ही रहे हैं। भाई पहले ही तुम सजदा करते तो इतनी नौबत में क्यों आते, क्यों अड्डे पे?